पिछले करीब 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहलवान बिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहलवानों से कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई बंद की जाती है, क्योंकि पहलवानों की मांग थी कि FIR दर्ज की जाए बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो कि हो चुकी है। इसके अलावा महिला पहलवानों को सुरक्षा मांगने की बात भी पहलवानों की ओर से की गई थी, उसको भी दिल्ली पुलिस ने दे दिया है। आज इस पूरे मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट में भी एक याचिका पहलवानों की ओर से डाली गई और सीधे तौर पर राउस रेवेन्यू कोर्ट में कहा गया कि 164 CRPC के तहत बयान दर्ज कराया जाए। इस पूरे मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब 12 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी राउस रेवेन्यू कोर्ट में, तब देखना होगा कि राउस रेवेन्यू कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। हालांकि इन पहलवानों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, तमाम बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं राजनीति के वो यहां पहुंच रहे हैं और इन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को तोशखाना केस में दोषी करार दिया गया, उन पर आरोप भी तय हो गए। कोर्ट ने PTI के वकीलों की अर्जी भी खारिज कर दी। दरअसल पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले के बाद इमरान खान के ऊपर तोशखाना केस दर्ज किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान ने विदेशी गणमान्य लोगों द्वारा दिए गए उपहार को बेचकर धन कमाया और उसके बाद उसका ऐलान करने में विफल हो गए। वहीं मंगलवार को इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर से अल कादिर ट्रस्ट कांड में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और 8 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया। वहीं इमरान सरकार में विदेश मंत्री रहे महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान इन दिनों गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यूपी निकाय चुनाव के अंतिम दौर के मतदान के लिए कल मतदान किया जाएगा, जिसको लेके कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों ने रणनीति बनाई थी। उन रणनीति को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियों से लेके तमाम सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपनी अपनी योजना बनाई थी। मुख्यालय में जो वॉर रूम बनाया गया, उसमें तमाम तरह की रणनीति बनाई गई, कौन नेता कब कहाँ जाएगा, किस तरीके से समायोजन किया जाएगा, किस तरीके से मोर्चे की जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से जो विभाग हैं, चाहे वो IT हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो कार्यक्रम विभाग हो, उन सब की रूपरेखा बनाई गई। के साथ ही साथ किस तरीके से मतदाताओं को मतकेंद्र तक पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी दी गई थी। और माना जा रहा है जिस तरीके से अब रणनीति बनाई गई है, जो मत प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, अब वो इस वॉर जोन के ऊपर आती है, क्योंकि प्रचार का जो समय था वो खत्म हो चुका है। अब जो पूरी रणनीति बनाई गई है, जिस तरीके से 2014 में हमने देखा था अमित शाह ने जब कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश की, तब उन्होंने एक नारा दिया था अपना बूथ सबसे मौजूद, और अब बूथ मैनेजमेंट को कैसे लागू किया जाए या फिर कहा जाए कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर जो रणनीति बनाई जाती है, इस रणनीति के तहत अब इस वॉर रूम का काम सामने आएगा कि किस तरीके से मतदाताओं को मतकेंद्र तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला जाए, इसको लेकर जो रणनीति बनाई जाती है उसके लिए ये वॉर रूम काम करेगा। अब देखना होगा कि 2023 के जो मतदान है उसका जब नतीजा आएगा, 13 मई को जब नतीजा आएगा, तब देखना होगा कि वॉर रूम कितना काम करता है। मैं इस समय मौजूद हूँ मंडी समिति स्थल पर, आप देख सकते हैं ये तस्वीर है मंडी समिति स्थल की, जहाँ 13 मई को मतगणना यहाँ से शुरू होगी। किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है, लोग यहाँ बांस की बल्ली यहाँ से लगाई गई है, यहाँ से लोग अपने स्थल के लिए पहुँचेंगे। तो ये मंडी समिति का पूरा स्थल है, आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं 13 मई को यहाँ पर मतगणना होनी है और पूरी तैयारी यहाँ से प्रशासन द्वारा कर ली गई है। CCTV कैमरे को लेकर बात की जाए या अन्य सुविधाओं की बात करें तो पूरी व्यवस्थाएँ चौक चौबंद कर ली गई हैं और बताया जा रहा है यहाँ पर PSC के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर गेट पर मौजूद रहेगी और जहाँ से गेट स्थल है वहाँ से ज़्यादा लोगों को आवागमन के लिए बाधित रहेगा। बाहरी लोग गेट के बाहर रहेंगे जिससे लोग ज़्यादा यहाँ पर हंगामा ना कर सकें और गेट के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था की भी पूरी व्यवस्था है। बाराबंकी में द्वितीय चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है कि ताकि चुनाव में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो और शांतिपूर्ण तरीके से निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर बाराबंकी में 400 से अधिक मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं एक नगर पालिका समेत 13 नगर पंचायतों पर मतदान होना है।
जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 400 से अधिक उम्मीदवार हैं, वहीं 1000 से अधिक उम्मीदवार पार्षद पद के हैं, जिनके भाग्यों का फैसला कल मतपेटियों में बंद हो जाएगा। वहीं प्रशासन निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है। वहीं प्रत्येक बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी समेत 3 अन्य अधिकारी लगाए गए हैं। वहीं फोर्थ क्लास के 400 से अधिक कर्मचारी भी लगाए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि निकाय चुनाव में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। 200 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन आने पर पूरी तरीके से प्रवेश पर वर्जित किया गया है। चुनाव को लेकर के चित्रकूट में दूसरे चरण में मतदान कल होना है, जिसको लेकर के 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो गई हैं। चित्रकूट प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों के साथ लगे पुलिस ड्यूटी बल को भी तैनात किया है। पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा बल के साथ उनको रवाना किया गया है। बाकायदा पोलिंग पार्टियों को बस या 4-व्हीलर गाड़ियां अलाट की गई हैं। पोलिंग पार्टी के जो भी कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके पोलिंग बूथों तक भिजवाया गया है। कल चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों में के लिए मतदान होना है। चित्रकूट जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला लगातार चित्रकूट के नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। चित्रकूट के चित्रकूट इंटर कॉलेज से सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियाँ रवाना कर दी। दूसरे चरण मतदान को लेकर के पोलिंग पार्टियाँ रवाना कर दी गई। हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान दूसरे चरण में 11 मई को होना है, जिसको लेकर के आज पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा को लेकर के पुलिस फोर्स रवाना किया जा रहा है। जिले में 3 नगर पालिका सहित 4 नगर पंचायत है, जिन पर कुल 2,311 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने को लेकर के प्रशासन ने 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 11 जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। तो वहीं कई निकाय चुनाव के लिए कल होने जा रहे मतदान को लेकर के 63 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों से 200 मीटर दूरी पर सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को रोक दिए जाने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के चलते दूसरे चरण में कल 11 मई को मतदान होने हैं, जिसको लेकर हाथरस में भी कल मतदान होगा और हाथरस जिले की 9 नगर निकायों में मतदान कल होगा। यहाँ आपको बता दें कि हाथरस जिले की 9 नगर निकायों में मतदान के चलते 348 पोलिंग बूथों पर 348 पोलिंग पार्टियां यहां हाथरस से रवाना हो रही हैं। वहीं प्रशासन ने 39 रिजर्व पार्टियों को रखा है और अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो RRAF और कई पुलिस की टीम यहां हाथरस में आ चुकी हैं और सभी अपने अपने स्थलों पर चली गई हैं। कप्तान पुलिस देवेश कुमार पांडे और अमला जिलाधिकारी अर्चना वर्मा पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, चुनाव की पूरी अपडेट ले रही हैं। हर तरह से सारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और जिला प्रशासन पूरे चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। उत्तर निकाय के रण में कल मतदान होना है। लगातार देखा जाए मेरठ में एक मेयर सीट है और उसी के बाद 2 नगर पालिका सीट है और 13 सीटों की बात की जाए तो नगर पंचायत सीट है। सभी पर कल मतदान होना है। दूसरे चरण में मेरठ में मतदान है, उसी को लेकर के पीठासीन अधिकारी अपनी मतपेटियों के साथ मेरठ से रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ जो पीठासीन अधिकारी है सब पहुंचना शुरू हुए हैं। भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जो फोर्स है वो तैनात रहेगी। लगातार देखा जाए PAC और RAF उसी के साथ साथ जो क्षेत्रीय पुलिस है वो तैनात रहेगी। लगातार देख तक से जिस तरह से जो पीठासीन अधिकारी हैं सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए और यहाँ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्था चाक चौबंद लगाई गई है। लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से दूसरे चरण का चुनाव मेरठ में कल है उसी को लेकर के जिला अधिकारी से लेकर SSP सब व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं और यहाँ की बात की जाए तो सुबह से ही मतपेटियों के साथ जो पीठासीन अधिकारी है उनको रवाना किया जा रहा है। सभी को पीठासीन अधिकारियों को मतपेटियां देकर के साथ ही जिन जगहों पर बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है वहां के लिए बैलेट पेपर के साथ इन अधिकारियों को रवाना किया। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार मंगलवार शाम 6 बजे बंद हो चुका है। आज पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल की तरफ रवाना किया जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और मौका निरीक्षण करने के बाद मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है।
आपको बताते चले कि कानपुर जिले में 22,17,517 मतदाता है, जो कि 65 प्रत्याशी जो 851 है और मेयर के 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और 11 मई को वोट का चोट करेंगे, जिससे कि जो भी प्रत्याशी होगा उसकी जीत का सहरा किसके सर बंधेगा, इस बात का खुलासा 13 मई को मतगणना के दौरान होगा। आपको बताते चले कि मतदान स्थल किसी तरह की कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो और अव्यवस्था ना फैले, ऐसे में 29 जोन को कानपुर को बांटा गया और 88 QRT बनाई गई है, जो कि मौके पर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे, जिससे कि जो भी अव्यवस्था होगी उसको समय से ठीक किया जाए। साथ ही यह भी चेक किया जाएगा कि मतदान स्थल पर किसी भी तरह का फर्जी वोट ना पड़ सके, इसके लिए QRT को सक्रिय। पीलीभीत में जहां निकाय चुनाव को बेहतर ढंग से कराने के लिए चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी हो या पुलिस प्रशासन हो पूरी तरह से लगा हुआ है कि निकाय चुनाव को बेहतर बनाया जाए, लेकिन चुनाव से बचने के लिए, ड्यूटी से बचने के लिए जहां एक और अधिकारी पूरी तरह से सजग हैं, लेकिन वहीं कुछ लापरवाही की भी सामने आ रही है, कुछ बहानेबाजी भी सामने आ रही है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विकास खंड में एक पचपेड़ा ग्राम में जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर रितु तोमर एक शिक्षिका है और पढ़ाती हैं वहां पे, लेकिन जब उनकी ड्यूटी इन निकाय चुनाव में लगाई गई तो उन्होंने बैनहर कॉलेज में जहां प्रशिक्षण होना था जिला अधिकारी को एक पत्र लिखा और उसमें बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव है। पत्र मिलने के बाद जिला अधिकारी ने जब उसकी जांच कराई तो जांच में पता लगा कि जो कोरोना पॉजिटिव का उनको लेटर बताया गया था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, जो प्रूफ दिया था, उस प्रूफ की जब जांच की गई तो पता लगा कि वो प्रूफ मिश्रता मेहता के नाम से बना हुआ है। जब ये मामला सामने फरवरी में आयोजित हुए G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगी लाइटें अब चोरी हो गई हैं, यानी कि 145 लाइटें चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। पीजीआई थाना क्षेत्र में इस रिपोर्ट को दर्ज कराया गया। इसके साथ ही साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के अधिकारियों पर लापरवाही भी बरती गई है। तरीके से संविदा कर्मचारी वहां पे काम कर रहा था और उसकी लापरवाही देखने को मिली थी। नगर निगम द्वारा आयोजित की गई थी, इन लाइटों को लगाने का काम मिला हुआ था और नगर निगम ने लगभग वहां पर 5,000 से अधिक लाइटें लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 45 लाइटें चोरी हो गई। एकाएक लाइटें चोरी होने का मामला गर्म होता दिखा जब नगर निगम ने अपनी जांच बैठाई। जांच बैठाने के बाद से पता चलता है कि जिस तरीके से वहां के जेईक पे लापरवाही बरती गई थी और उसी पे कार्रवाई भी की गई। ऐसे में G20 में हुए सम्मेलन को लेकर के लखनऊ को पूरी तरीके से सजाया गया था। इन कार्यों से लगातार लखनऊ जो है चमक रहा था, लेकिन इसके बाद से भी अब लाइटें गोरी चोरी होने की जो सूचना है वो लगातार मिलती चली जा रही है। इससे पहले भी अगर बात करें तो लाइटें चोरी होने का प्रकरण सामने आया था। UPATS ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में एक साथ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान PFI के कई सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सक्रिय सदस्यों से जब पूछताछ हुई तो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक PFI अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ था, जिसको लेकर एक राजनीतिक संगठन उसकी मदद कर रहा था। हालांकि गिरफ्तार सदस्यों के पास से पूछताछ में तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था उनके मोबाइल से भी तमाम तस्वीरें और तमाम अहम डाटा निकलकर सामने आया, जिसमें ज्ञानव्यापी प्रकरण से जुड़ा हुआ वीडियो हो, अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़े वीडियो हो, या फिर एक ऐसा ऐप था जिनके माध्यम से ये जो PFI के सदस्य थे वो आपस में बातचीत करते थे। अब देखना होगा कि इन सक्रिय सदस्यों के पास से जो तमाम सामग्री बरामद हुई है, तमाम डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर कई और प्रदेशों में ATS छापेमारी करके PFI के और जो सक्रिय सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में तेजी के साथ कमी आ रही। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय की अगर बात करें तो 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 4200 केस थे, जो अब एक तिहाई घट करके मात्र 1300 बचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गए, जिसमें महोबा शामिल है, कासगंज शामिल है और बलरामपुर शामिल है। साथ ही साथ 25 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिसमें मात्र 5 से कम भी केस बचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी लगातार केसेस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में मात्र 8 केस आए। वहीं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में वर्तमान समय में 257 ही जो है एक्टिव केस बचे हैं। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो दिन आए दिन जो केस आते थे उनमें भी गिरावट आई। मात्र 100 से 150 के बीच ही अब केस आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ आम जनता को राहत देने वाली बात है। काशिंदो विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में योग प्रशिक्षण दिवस का शुरुआत हुआ। ये योग प्रशिक्षण दिवस 15 दिवसीय है। दरअसल सूर्य नमस्कार और योग से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम
निश्चित तौर पर लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए सहायक हो, ऐसा आयोजकों का मानना है। यदि इस कार्यक्रम के आयोजन के विषय में कहा जाए तो ये आयोजन निश्चित तौर पर स्वास्थ्य, योग और सूर्य नमस्कार से जुड़ा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पे आए हुए प्रशिक्षकों को न केवल ट्रेंड किया जाएगा बल्कि उन्हें ट्रेंड करके ये भी कहा जाएगा कि वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, या ये कहा जाए कि अपने घरों घरों पे जाकर इन योग विद्या का लोगों से जोड़े। समझा जा सकता है कि योग से लोग निरोग रहने की सलाह देते हैं और यही बात है कि लोग निरोग हों, इन्हीं कामनाओं के साथ ये 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि इस योग शिविर से सीखने के बाद जो यहाँ के प्रतिभागी हैं वो दूसरों को कितना निरोग करने में सक्षम होते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हम उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में मौजूद हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये कवायद शुरू की गई थी। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस में मैनिफेस्टो में अपना दिया था कि जो बजरंग दल है PFI उन दोनों को बैंड लगाया जाए, इसके बाद अनोखे अंदाज में इसका विरोध किया गया, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज में मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बली की तस्वीर के सामने दीप जलाए और वहां पर कई घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो का विरोध किया है। दरअसल जिस तरह से आने वाले चुनाव में हर कोई अपने अंदाज में लुभाने की कोशिश करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो आया था उस मैनिफेस्टो के अनुसार कर्नाटक के चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो में ये दिया था कि जो हनुमान जो बजरंग दल और उसके अलावा PFI पर बैंड लगाया जाए, दोनों को एक ही उसमें खाने में रखा था। फिलहाल उसको देखते हुए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और यहाँ जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसको यहाँ पर इसका विरोध करते हुए सभी मंदिरों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसका विरोध। आज आग ने जमकर मचाया तांडव के वजह से 7 लोगों की जलकर हुई मौत। हालांकि मामले की जानकारी होने पर मौके पर जिलाधिकारी सहित जिले के सभी प्रशासनिक अमला पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटा। साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के माघी मठिया गाँव का है, जहाँ पर आज अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके वजह से 5 लोगों की एक ही परिवार के जलने से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज के दौरान मौत हो गई। कुल मिलाकर 7 लोगों की एक ही परिवार के जलकर मौत होने से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। साथ ही मामले की जानकारी होने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के पूरे प्रशासनिक अमला ने गांव में पहुंचकर मामले को शांत कराया, साथ ही राहत बचाव कार्य में भी जुटा और मृतक के परिवार वालों को भी आर्थिक सहायता के साथ साथ ढांढस बनाने का भी काम किया। जिलाधिकारी कुशीनगर ने बताया कि मृतक के जो भी परिजन है उनको 4-4 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से भी दिया जाए। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उस समय पोल खुली जब एक कमला देवी 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुई, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जब वहां पर ऑक्सीजन लगाने की मांग की गई तो वहां पर 2 दिन पहले वहां का जनरेटर जल गया था और ऑक्सीजन वहां पर उसको मिला नहीं, जिससे परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनकी हालत गंभीर है। लगातार जो कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और CMO लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि सभी ऑक्सीजन प्लांट को चालू रखा जाए, क्योंकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे में जब कमला देवी को वहां पर ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, जिससे उसकी हालत गंभीर देखी गई, उसको तब जाके जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इतने पैसे को लगाकर ऑक्सीजन प्लांट वहां पर रखा गया है, क्या 100 पीस के लिए वहां रखा गया, यह बड़ा सवाल उठता है। यूपी के बुलंदशहर में एक छात्रा के साथ में चेयरमैन ने अश्लील चैट का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि एक छात्रा मेडिकल कॉलेज में छात्रा है, वो बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे की स्थित में छात्रा बताई जा रही है, जहां पर चेयरमैन पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। सुसाइड का उसने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल करा है। स्क्रीनशॉट में टीचर जो चेयरमैन है होटल में ले जाने का दावा कर रहा है और व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत चल रही है। हालांकि
जो छात्रा है बड़े सदमे में है, उसने खुद ये स्क्रीन शॉट वायरल करे हैं। पुलिस स्क्रीन शॉट के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि चेयरमैन के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। हालांकि स्क्रीन शॉट में जो बताया गया है उससे पूर्व में भी चेयरमैन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की के साथ में शोषण करता था और होटल में ले जाकर उसने इस तरह की अश्लील हरकत करता था। झांसी में यात्री बस अचानक से हुई अनियंत्रित, जिससे वह खाई में गिरी और आधा दर्जन से अधिक सवारियां हुई घायल। दरअसल पूरा मामला झांसी के ईरज थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेतवा नदी के पास घुसराय से पूंछ की ओर जा रही बस अचानक से अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद वह खाई में गिर गई। वहीं खाई में गिरने के बाद उसमें बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने और स्थानीय पुलिस ने घायल लोगों को निकाला और उन्हें पास में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें गंतव्य जहां वो जा रहे थे उन्हें उस रास्ते के वाहन से उन्हें घर भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि पूरी घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ना ही किसी को गंभीर चोटें आई हैं। हल्की फुल्की चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें जो उनकी दवाई थी वो करा दी गई और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ज़िले में लगातार प्रशासन खटारा बसों को लेकर अभियान चलाता है, लेकिन कई जगहों पर ये जो बसें हैं वो अभी भी तेज़ गति से दौड़ रही हैं और किसी भी दिन बड़ी घटना घट सकती है अगर प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है। बहराइच के थाना बाउंड्री क्षेत्र में नदी में डूबकर दो बालकों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों चचेरे भाई है। जिले के थाना बाउंड्री क्षेत्र के भौरी गांव के किनारे भौरी नदी में को मंगलवार की शाम को दो किशोर नहाने गए, जहां दोनों डूब गए। देर रात तक किशोरों के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। देर रात में भौरी नदी के किनारे दोनों बालकों के कपड़े और चप्पल बरामद हुए। इसके बाद परिवारों को ये बात की आशंका हुई कि दोनों नहाने के दौरान डूब गए हैं। घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने भौरी नदी की में तलाश शुरू की। आज सुबह दोनों बालकों के शव नदी से बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिजन दबी जुबान से हत्या कर नदी में लाश को फेंके जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई। बिजनौर पुलिस की आज बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, आपको बताता चले, बिजनौर के झालू निवासी सामी 23 नवंबर 2022 में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको बताता चलें, शामिक नाम का युवक कृष्णा कॉलेज का छात्र था, बीबीए का छात्र बताया जा रहा है और यश नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर शामिक को कॉलेज के बाहर निकलते ही तबाहतर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जब हत्या कर यश अपने साथी के साथ फरार हो गया तो पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल शामिक के हत्यारे को पकड़ जेल भेज दिया। आज कई महीने बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई शामिक के हत्यारे पर हुई है। आपको बताते चले, शामिक के हत्यारे यश पर पुलिस ने आज एनएस से लगा बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से शामिक का परिवार कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि इन हत्यारों को और भी बड़ी सजा दी जाए।